तो फ्रेंड्स आज हम यहां पर जून 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट सी का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप यहां पे स्टैटिकल मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स दोनों का मान सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट के ऊपर डिपेंड है। तो आपको पता है कि जो आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आता है और आपका यहाँ पे स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी आता है। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को कंसिडर कर रहे हैं कि आपका ये सॉलिड का भी हो सकता है और आपका ये स्टैटिकल मैकेनिक्स का भी हो सकता है। तो फ्रेंड अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, कंसिडर इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफिन विच इज ए प्लेनर मोनो एटोमिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स इफ द डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी दिस वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। तो ओवर द एंटायर के स्पेस द फर्मी एनर्जी ई एफ डिपेंड्स ऑन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रो एस, ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको यहां पर एक आपके पास यहाँ पे एटम्स हैं है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया गया है ई के इज इक्वल टू सी के। तो ये आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है और आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो आपके यहाँ पे फर्मी एनर्जी है ई एफ वो नंबर ऑफ डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन डैट में हमको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डैट में आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है ई के इज इक्वल टू ये हमारे पास है सी के। यहाँ पे जो आपके पास फर्मी एनर्जी है ये हमारा फंक्शन है किसका, के का। तो ये हमारे पास है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर आपको प्लेनर मोनो एटॉमिक लेयर दी गई है, मतलब टू डायमेंशन में दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखा लेंगे इसके नंबर ऑफ स्टेट्स। तो आपको पता है कि आप नंबर ऑफ स्टेट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका डीएक्स, आप इसको लिख सकते हो डीपीएक्स, फिर हम इसको लिख सकते हैं डीवाई और आप इसको लिख सकते हो डीपीवाई। दो स्टेट आपका यहाँ पर टू डायमेंशन है इस तरीके से। यहाँ पर आप इसको लिखोगे डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पी एक्स, फिर आप इसको लिखोगे डेल्टा वाई और आप इसको लिखोगे यहाँ पे डेल्टा पी वाई। तो अब आपको ये पता होता है कि जो हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स होता है इसकी वैल्यू एच कट होती है। इसी तरीके से आपके पास डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई इसकी वैल्यू भी एच कट होती है। तो फ्रेंड आप यहां से क्या लिख सकते हो, डीएन इज इक्वल टू, अब देखो dx dy, अब आपको यह भी पता है कि जो हमारा dx dy होता है इसको मैं एरिया लिख सकता हूं, ये हमारे पास हो जाएगा। और फ्रेंड ये जो मेरे पास है dpx, ये मेरे पास है dpy, तो ये आपका क्या है, मोमेंटम का एरिया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2πPdp, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा एरिया और फ्रेंड आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे 2π, ये हो जाएगा p और आप इसको लिख सकते हो dp डिवाइडेड बाई, यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, एच कट का स्क्वायर। अब फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका इंटीग्रल। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रल कर देता हूं इस तरीके से, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इसको इंटीग्रल कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा n। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो मेरे पास हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2π अपॉन एच कट स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। यहां से ये मेरे पास आ जाएगा पी डी पी, तो इस तरीके से। और अगर मैं यहां पर इसको सिंपलीफाई करता हूं तो फ्रेंड देखिए ये मेरे पास एन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2πa अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से एन इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई ए, ये मेरे पास है पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। तो फ्रेंड ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास n इज इक्वल टू कितना आ गया है, पाई a p स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर। अब फ्रेंड यहां से मैं n अपॉन a लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास आ गया n इज इक्वल टू a, ये हो गया पाई अपॉन h कट स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास n अपॉन a है ये क्या है, मेरे पास डेंसिटी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n अपॉन a, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रो, तो ये आपको दिया हुआ है नंबर डेंसिटी रो। तो फ्रेंड्स ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो आप इसको रो लिख सकते हो, ये हो जाएगा मेरे पास पाई अपॉन एच कट स्क्वायर और पी स्क्वायर।
तो फ्रेंड एक रिलेशंस तो आपके पास ही आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे इसको लिखना है फर्मी एनर्जी के फॉर्म में। तो आपको पता है कि हमारे पास P इज इक्वल टू होता है H कट K, तो यहां से मैं K की वैल्यू निकाल लूंगा, P अपॉन H कट, ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई है, दिस इज K। और फ्रेंड यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया हुआ था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है EK इज इक्वल टू CK, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ था, E इज इक्वल टू, ये मेरे पास है CK। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू C हो जाएगा, अब K की वैल्यू लगा देंगे, P अपॉन H कट, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ से मेरे पास P इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ जाएगा E एच कट अपॉन सी, तो ये मेरे पास यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू आ गई है दिस। अब फ्रेंड्स इस चीज को यहाँ पे पुट कर देंगे, रो इज इक्वल टू पाई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा E का स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस एच कट स्क्वायर से ये वाला एच कट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां से मेरे पास रो इज इक्वल टू कितना आ गया है, रो इज इक्वल टू मेरे पास है पाई, या आपके पास है ई स्क्वायर अपॉन, और आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सी स्क्वायर दिस। अब फ्रेंड ये पाई अपॉन सी स्क्वायर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं कि जो मेरा रो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, आपके पास ई स्क्वायर के दिस, सही है। और आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो कि जो मेरा ई एफ है ये मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो वन बाई टू के, इस तरीके का। तो फ्रेंड ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब जो आपके पास E है ये हमारे पास हो जाएगा इस प्रोपोर्शनल टू रो वन बाई टू। तो फ्रेंड आपने देखा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दिस, तो ये हमारे पास हाफ के इक्वल है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ई एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई टू, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन हमारा। यहाँ पे आपको दिया है फर्मी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2/3, ये भी आपका गलत है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/3, ये भी आपका गलत है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑप्शन ए आवर राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया तो लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको डिसलाइक कर देना, लेकिन इसके ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। और फ्रेंड लास्ट में जाते जाते आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पोटेंशियल जी को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।